never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. साउथ इंडियन क्यूजींस की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है डोसा और उससे पहले मुंह में पानी। काफी लोगों के डोसा बनाने की स्ट्रगल उसकी फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाती है, उसका बैटर बनाना। और सिर्फ बैटर ही नहीं बनाना, उसको राइट प्रोपोर्शन में बनाना। आपकी स्ट्रगल मैं आज सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा बैटर, जो मैंने अपने एक तमिलियन फ्रेंड से सीखा है। इस वीडियो में मैं आपको बैटर बनाने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी विद एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग फाइन मसाला डोसा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें एंड डोसा बैटर को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करें। इसी रेसिपी के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसी बैटर से हम मसाला डोसा कैसे बना सकते हैं। आपकी फॉलो अप डोसा मेकिंग की वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशंस आपको झटपट मिल जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट मेकिंग डोसा बैटर। डोसा बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है इडली राइस। अगर आपके पास इडली राइस अवेलेबल ना हो तो जो भी मोटा चावल आपके घर के आसपास के ग्रोसरी स्टोर में इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये चावल बासमती राइस से थोड़ा मोटा होता है। इसके हमें 4 कप्स लेने हैं। एक साइज के कप को आप सेट कर लें मेजरमेंट के लिए, जिससे बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को नापेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे 1 कप उड़द दाल। इसको भी हम उसी मेजरिंग कप से मेजर करके लेंगे। इडली राइस या जो भी मोटा चावल लेंगे आप, उसका प्रोपोर्शन उड़द दाल के साथ 4:1 में रखना है। इसके बाद एक अलग बाउल में लेंगे हम 1/2 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना। ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। डोसा बैटर के लिए हमने लिए 4 कप इडली राइस, 1 कप उड़द दाल एंड 1/2 चम्मच मेथी दाना। इनको हमें 10 से 12 घंटे तक पानी में सोखने के लिए रखना है। पानी में सूखे हुए 10 से 12 घंटे हो गए हैं, ये हल्के से फूल गए हैं। भीगे रहने से मेथी दाने भी थोड़े से फूल गए हैं। इसी तरह से हम उड़द दाल को भी भिगो लेंगे, ये भी हल्की सी फूल जाएगी। उड़द दाल और चावल को हमें बैटर बनाने के लिए अलग अलग भिगोना है। चावल और मेथी दाने के पानी को मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। चावल और उड़द दाल को हमें अलग अलग पीसना है। पहले मैं चावल को ग्राइंडर में पीस रही हूँ। ध्यान रखिए, पूरे बैटर को हमें एक साथ नहीं पीसना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट्स में पीसें। अगर एक साथ पीसेंगे तो बैटर स्मूथ नहीं हो पाएगा। डोसा एक बहुत प्रोटीन रिच डाइट है, जिसको आप किसी भी टाइम अपनी मील का पार्ट बना सकते हैं। पीसते वक्त हमारा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होगा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी सिर्फ उतना ऐड करना है जिससे हमारे चावल और मेथी दाने का एक पेस्ट बन पाए। एक साथ ज्यादा पानी न डालें, जैसे जैसे पीसते वक्त जरूरत लगे पानी डालते जाएं। पानी हल्का ठंडा यूज करें, क्योंकि पीसते वक्त ग्राइंडर थोड़ा गर्म हो जाता है, जिससे बैटर में पीलापन आ सकता है। बीच बीच में बैटर को चेक करते रहें कि कितना पिस चुका है। अभी डोसा बैटर हल्का दरदरा है, इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करना होगा। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी और ग्राइंडर को थोड़ा सा और चलाएंगे। परफेक्ट बैटर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन एग्जैक्ट होना और पीसने की कंसिस्टेंसी ठीक होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस डोसा बैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर चलाने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी फिर चेक करेंगे। अब बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की लिक्विडी हो गई है, जैसे कि हमें चाहिए। भीगी हुई उड़द दाल का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको मैं अब अपने राइस के पेस्ट में ऐड कर रही हूँ। इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आई है। कंसिस्टेंसी अच्छी आने का मतलब है हमारा बैटर और हमारे डोसे बहुत अच्छे बनने वाले हैं। अब हम अपने डोसे बैटर को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए स्टिर करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोसेस के अंदर हमारे बैटर के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होगी और ये एयर पॉकेट्स बनाने में भी हेल्प करेंगे। मुझे इसको स्टिर करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमारा बैटर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए रेडी है। मैं इसको ओवन में रख दूंगी 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे बाद हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। 10 घंटे हो गए हैं, बैटर हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड डोसा बनाने से पहले इसमें थोड़ा पानी एंड नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। इस डोसा बैटर को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
एंड इसी बैटर से मसाला डोसा बनाने की वीडियो देखना मत भूलना। सो गाइज टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।